तो आज है हमारे पास कुछ अलग सा। ये अब गार्डन एरिया में बहुत ज़्यादा लोग लगाते हैं, कुछ वॉल बनाने के लिए, ग्रीन वॉल या बाउंड्री बनाने के लिए दोस्तों। तो उसको हम आज कटिंग से ट्राई करेंगे। उसकी दो वैरायटी आती है दोस्तों मेरे ख्याल से, कि एक में फ्रूट आते हैं, एक में बिल्कुल भी फ्रूट नहीं आते, भले ही कितना भी बड़ा हो जाए। तो मैं जहाँ लाया था वहाँ बहुत सारे लगे थे, पर इसमें दो में ही फ्रूट थे। कब से नज़र थी मेरी, आज मौका मिला तो चलिए उसको मैंने ऐसे ही खींच लाया हूँ। तो उसको लगाते हैं हमारी यूनिक मेथड से, जिससे आप लोगों को एक बार रिफ़र हो जाएगी यूनिक मेथड क्या होती है हमारी। पर जब भी हम कटिंग लगाए दोस्तों, थोड़ा बड़ा मिलता तो अच्छा था, बट ये सब हटाना पड़ेगा हमें। ये सब हटा के हटा देना पड़ेगा लीफ वगैरह। तो इस तरह से एक मिला है हमें, और यहाँ भी उसकी प्रिपरेशन करनी होती है हमें, ऐसे ही नहीं लगा सकते हम। उसकी एज प्रिपरेशन होती है, टेक्निकल लैंग्वेज में बोले तो उसको थोड़ा स्मूथ करना होता है। यहाँ आप उसको रासपट लगाए ना लगाए कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से रेडी करना है, और फिर ये मेरे ख्याल से होता ही होगा कटिंग से, मुझे नहीं पता, पर नर्सरी वाले बनाते ही होंगे। तो इसके लिए क्या लेना है वो देखते हैं। तो सबसे पहले आता है सोइल मिक्स। तो मैं यहाँ ले रहा हूँ दोस्तों, ये है कंपोस्ट हमारा घर का, एनिमल वेस्ट से बना, और ये है सिंपल सी मिट्टी। ये भी मॉनसून की वजह से गीली है, तो उन दोनों को मिक्स करके मैं ले रहा हूँ। उसका अनुपात आप ऐसे ही ले सकते हैं, अंदाजे से, ऐसा कुछ है नहीं। एक बैग ले ली है, कोई भी बैग ले सकते हैं, प्लास्टिक की, थोड़ी मजबूत होनी चाहिए। भर ली है, कोई ड्रेनेज होल नहीं बनाना है, बस यहाँ अब मैं प्लांट को सील कर देना है। तो ये लिया हमने प्लांट। तो इस तरीके से अगर प्रोपोगेशन होता है तो हमें कब लगाना होता है, तो लगाना ही नहीं है दोस्तों, इसी बैग में हम मार्च तक रखेंगे। अगर डिहाइड्रेट होता है प्लांट, तो हम उसको खोल देंगे और ऐसे ही जीने देंगे। तो उस पर ध्यान रहे दोस्तों, फाइकस का कटिंग लगा रहे हैं या ऐसा स्पीसीज जिसमें कुछ फंगस लगने का आसार रहता है, जिसमें फंगिसाइड लगा ले एंड में, इसमें मैंने नहीं लगाया है क्योंकि इसमें मुझे नहीं लगता, छोटा सा प्लांट है इसलिए। उसको अब हमें करना है सील। तो इसके लिए उसमें पूरी हवा निकल जाए तो अच्छी बात है, पानी भी नहीं देना है। उसमें मैं वायर पहले टाई करता हूँ, तो सिंपल तरीके से हमें उसको यहाँ से सील करना है पूरी तरीके से दोस्तों, पूरी तरीके से टाइट। और नीचे से भी एक दो वाइंडिंग ले लेंगे, जिससे होगा क्या कि ये स्टेबल हो जाएगा। ये यहाँ वहाँ कुछ होता है तो भी ये हिलना नहीं चाहिए। और इसमें क्या होता है, उसको कंट्रोल्ड टेम्परेचर रहेगा यहाँ, और एनवायरनमेंट ऐसा मिलेगा कि ये अपने आप को स्टिम्युलेट कर देगा रूट प्रोड्यूस करने के लिए। अब मैं क्या करता हूँ, और भी अगर बड़ी कटिंग है तो थोड़ी मुश्किल रहती है, तो इस तरह से मेरे पास है ये प्लास्टिक का रोल, और ये तो आसानी से मिल जाता है, पार्सल करने के लिए इस्तेमाल होता है, ये फोटो फ्रेम वगैरह में भी इस्तेमाल करते हैं लोग, और पार्सल वाले से या प्लास्टिक बैग का विक्रेता है उसी से मिल भी जाएगा। तो पूरी तरह से सील, ऊपर तक सील करता हूँ पूरी तरीके से, मुझे कोई लीकेज नहीं चाहिए, नहीं पानी देना है, नहीं कुछ, एकदम ही स्टेबल बना लेना है, बस ये हो गया। उसको कहीं भी रख सकते हैं, पर मॉनसून का पानी अंदर ना जाए, एक बार चला गया था मेरा, इसलिए इसी जगह रखे जहाँ सनलाइट आती है थोड़ी बहुत, तो अच्छा रहेगा। ये लग चुका है दोस्तों। तो उसके रिजल्ट के लिए बने रहना होगा दोस्तों, और कैसा रिजल्ट मिलता है, कई सारे स्पीसीज में मैं ट्राई कर चुका हूँ, फाइकस है,
और एक अभी नया मिला है मुझे, उस पर भी ट्राई किया है, एक ब्रांच अनवांटेड पहले ही निकाल देते हूँ। अगर होता है तो बढ़िया है, वायरिंग करके बढ़िया से फ्लोटिंग वाला प्लांट मिल सकता है हमें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बने रहे ऐसे ही, प्यार देते रहे, हो सके तो सब्सक्राइब करके रखें और डिसलाइक करें कुछ भी ना पसंद आया हो तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कोई ना कोई रिएक्शन तो ज़रूर दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन।